बात भी हम कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब से इतर बीजेपी के अंदर जो बीजेपी है इसकी बात भी होनी चाहिए। और उसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में और चुनाव से पहले, साल भर पहले से ए के शर्मा का नाम बार बार सामने आता है। अरविंद शर्मा एमएलसी बना के बन के तो पहुंचे उत्तर प्रदेश, लेकिन उसके बाद से अभी तक ए के शर्मा को कोई अच्छी जगह नहीं मिली है, और उसको लेकर के चर्चा हमेशा चलती है कि योगी और मोदी के बीच यहीं से खटपट की शुरुआत हुई थी। किस नजर से देखते हैं आप विजय शंकर सिंह जी? जी राजू, सबसे पहले तो मैं जेपी सिंह जी से पूरी तरह सहमत हूं कि आने वाला जो भी चुनाव होगा वो योगी और मोदी बनाम विपक्ष नहीं होगा, वो सीधे रूप से संघ के होगा, क्योंकि 2025 में संघ 100 साल पूरा कर रहा है और 100 साल जश्न वो बहुत कायदे से मनाना चाहते हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस जश्न के लिए जरूरी है कि केंद्र में उनकी सत्ता रहे और मजबूती से सत्ता रहे। मजबूती से इसलिए कि अगर वो बिल्कुल कई पार्टियों के साथ बनी रहेगी तब भी संघ की इच्छा पूरी होने में थोड़ी दिक्कत होगी, अन्यथा मजबूती से रहे। अब संघ क्या करता है सोच लिया है, लेकिन संघ के बारे में मेरी ये धारणा है कि सम बड़े संकीर्ण रूप से सोचता है और संकीर्ण प्लेग्राउंड पे जाता है। संघ को ये तो सोचता है कि हमें इस रूप में सत्ता लानी है कि एक हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र के जो निवासी होंगे 130 करोड़ हिंदू होंगे जिसमें हम सब लोग आते हैं, जिसको अगर हिंदू ही मान ले हमको, हम लोग आते हैं तो हमारे साथ जीवन से जुड़ी हुई चीजों का समाधान उसके पास नहीं है, क्योंकि इस पर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। दूसरी चीज जो अभी राहुल जी ने कहा है वो भी बहुत सही बात कही, मैं उनसे भी सहमत हूँ। अब रहा सवाल ये कि आखिर इसमें क्या हो सकता है आगे। आगे मुझे यही लगता है कि सारी पार्टियों को आपस में बैठ के एक रणनीति बनानी होगी और तब आगे आना पड़ेगा। दूसरी जहां तक ए के शर्मा साहब की बात है, ए के शर्मा साहब एक ब्यूरोक्रेट हैं और ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो कि नौकरी की शुरुआत से ही, मतलब इलाहाबाद से पढ़े, उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो गुजरात चले गए, तो लिहाजा उनको उत्तर प्रदेश में उनके घर परिवार रिश्तेदार जरूर हैं, बनारस में भी हैं और कुछ थोड़ा बहुत हम भी उनसे परिचित हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इन सबके बावजूद उनकी वो पकड़ जनता में नहीं है। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स की कोई पकड़ नहीं होती है। मैं आपके टीवी शो पर, आप बहुत मुझे अवसर देते हैं, मैं अपनी बात कहता हूँ, फेसबुक पर भी लिखता रहता हूँ, लेकिन अगर मैं यही बात अपने गाँव जाके जनाधार ग्रुप में कहूँ तो शायद कोई मुझे नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं गाँव में रहा नहीं हूँ, बाहर बाहर नौकरी किया हूँ, तो वो एक जनाधार नहीं है। तो ए के शर्मा के साथ वही है, ए के शर्मा साहब को लाने का एक ही पर्पस था, योगी जी पर निगाह रखना। मोदी जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, नरेंद्र मोदी जी के साथ, ये अंदरूनी तौर पर अंदर से और मानसिक रूप से डेमोक्रेटिक सेटअप पे नहीं है, ये जिद्दी टाइप के हैं और ये हर चीज को अपनी मर्जी से हांकना चाहते हैं। आज बड़े अफसरों से आप बात कर लीजिए, अगर आपके सोर्स हो केंद्रीय सचिवालय में, जेपी सिंह जी को बेहतर तरीके से मालूम होगा, ये बहुत ज्यादा टच में रहते हैं, कि सारा काम पीएमओ करता है। पीएमओ में कौन है? अफसर है। अफसर कौन है? जो प्रधानमंत्री के चहेते हैं, मंत्री भी नहीं कुछ कर पाते, सारा काम पीएमओ करता है, सारी पॉलिसी वो तय करता है, मेजर ऑर्डर्स वो निकालता है। तो ऐसी स्थिति में बाकी लोग अपने को किनारे किए हुए हैं, बस ये है कि उनका मंत्री पद बचा हुआ है, वो भाजपा में है और अच्छी जगहों पर है। तो शर्मा जी को लाने के पीछे का उद्देश्य यही था कि योगी जी का पर कतरना, योगी जी पर नियंत्रण रखना। योगी जी को भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ गोरखपुर रहने की वजह से, कुछ और कारणों से, तो योगी जी को जहां तक मेरा, मैं उनको समझ रहा हूँ, योगी जी भी इतनी जल्दी झांसे में और दबाव में आने वाले नहीं है, क्योंकि उनको भी ये बात पता है और उनको, और योगी जी बेसिकली कभी भी न तो भाजपा के रहे हैं न इसके रहे हैं, सिंबल पे जरूर टिकट चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन जब दिमाग घूमता था तो हिंदू वाहिनी लेकर कूद जाते थे, इन सबों को हरा भी देते थे, जिद्दी भी बहुत है, सारी बातें अपनी जगह पे है। तो ये लोग अंदर अंदर सशंकित भी हैं। और दूसरे, योगी जी बेसिकली एक महंत हैं, एक महंत का एक सेटअप बन जाता है, धार्मिक का एक सेटअप बन जाता है, धार्मिक गुरु होने का या धर्म प्रमुख होने का, वैसे ही जैसे ब्यूरोक्रेट्स का होता है। मैं कितने भी आपसे राजनीति की बात करूं, राजनीतिक विचारधारा पर लेख लिख दूं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी तो हम फेल्योर होंगे, मुझे उसका अनुभव नहीं है। मुझे अगर आप इसी अखबार का संपादक बना दीजिए तो दूसरे दिन अखबार बैठ जाएगा, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं सबका अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। योगी जी बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं है, वो गोरखपुर मठ से आ रहे हैं, मठ के एक अपना एक वजूद है, पूरे गोरखपुर में वजूद है और आज से नहीं है, महंत दिग्विजय नाथ जी के समय से है।
और वो कुछ वो बहुत कुछ कास्ट लाइन पर भी है वहां पर, सब लोग जानते हैं, उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है, पूरे उस मंडल में जानते हैं योगी जीतते रहे और अजय हैं वहां से, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर योगी को ये सरकार दबाने की कोशिश करेगी तब मुझे लगता है कि योगी का रिएक्शन भी बहुत अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। ये जो अभी मोहन भागवत जी गए थे उनसे मिलने, उनको बताने गए थे, समझाने गए थे, अब ये तो अंदर की बात है, अभी तो हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि मोहन भागवत जी जरूर चाहते होंगे योगी मोदी शाह को लेकर तमाम जो अखबारों में सोशल मीडिया पर कभी कभी छपता है इसको लेकर एक भ्रम का वातावरण न पैदा रखे हो और 24 के चुनाव में सब एक साथ चुनाव लड़े और जीते। मेरा बस ये कहना है विरोधी पार्टियों से कि आप भाजपा की जो परंपरागत थॉट है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, मंदिर मस्जिद है, इस पर आप बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इस पर आप बिल्कुल सफल नहीं हो सकेंगे। जिस चीज पर आप जा नहीं सकते उस पर आप क्यों जा रहे हैं? आपने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ाई उनसे सीखा है, वो पढ़ाई पढ़े हैं, आप जो पढ़ाई पढ़े वो आइए, आप आइए विचारधारा पर, आप आइए डॉक्टर लोहिया पर, आप आइए डॉक्टर, आप आइए आचार्य नरेंद्र देव पर, आप आइए जनता की समस्याओं पर, आप इनका मैनिफेस्टो निकालिए और कहिए ये वादा था क्यों नहीं पूरा हुआ। जो आप इनके वादा को लेकर बीच में जाएंगे तो हर आदमी जाएंगे। ओपी सिंह ने बहुत सही बात कही कि जब दिया बत्ती ही जलाना है तो वो क्या बोले। अगर हिंदू राष्ट्र में हमें सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व कुछ नहीं होता, उसी हिंदुत्व का एक पैटर्न है। सीधी सी बात है कि आप गवर्नेंस की बात करिए, दलितों में अगर उत्पीड़न है तो उसकी बात करिए, हर मौके पर बात करिए, ओबीसी बात करिए, पुलिस के अत्याचार आपको दिख रहे हैं तो उसकी बात करिए, और जब आप ये बात करेंगे तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जितनी ही ये बात करेंगे भाजपा उतनी ही ज्यादा असहज होगी, क्योंकि सरकार चलाना कठिन होता है, विपक्ष का काम उतना कठिन नहीं होता है, आपको जो बात उठानी है उनको तो देना है। तो मेरा यही कहना है कि हमें एक ऐसी राजनीति में आना पड़ेगा जिसमें कि जो जनहितकारी हो, जनता के हित के लिए हो, लड़कों के बेरोजगारों की बात की जाए, नौकरी की बात की जाए, ये पूछा जाए कि आपने कहा था इतने रोजगार देने के लिए, क्यों नहीं इनको रोजगार दिया गया, इन पर आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए उनका क्या जवाब आता है। मैं अभी जब ये कहा गया था कि परशुराम वाली बात, उस पर मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि परशुराम जैसे जैसे टोटके हैं इससे किसी भी ब्राह्मण को कोई फर्क नहीं पड़ता। परशुराम आज दिख रहे हैं पूरे, अगर हम हिंदू वांग्मय या हिंदू संस्कृति को जितना भी पढ़े हैं उसमें परशुराम कभी भी ब्राह्मण के चहेते चेहरे नहीं आए। ब्राह्मणों के और भी आइकन है, शंकराचार्य तमाम लोग हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? उन्हें बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने दुनिया बदल के रख दी है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? लेकिन आप ये फरसा दिखा रहे हैं तो जाहिर है कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जिसको आप कर नहीं सकते हैं। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस भी किसी ने राय दी होगी कि आप फरसा उठा लीजिए उसको जरूर निकाल देना चाहिए। तो यही मेरा कहना है कि राजनीति में सीधी सी बात है कि आप जनता की तरफ कितना जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल।